खुदा के बाद जमीन पे ख्याल रखती है। शीना कहाँ है? उसको फोन नहीं किया आपने? मेरा ख्याल है उनका साहब से झगड़ा हो गया है और उन्होंने उनको निकाल दिया है घर से। वापस नहीं आए, अब नहीं आए। हेलो जी वासिक मियां, हाँ आप सब लोगों की सीटें करवा दी हैं जी? वो बस डेड बॉडी सर्दखाने में रखवा रहे हैं, बस आप लोगों का इंतजार है जी। ठीक है, खुदा हाफिज। ये कुछ लोग आए हुए हैं या ताज़ियत करने के लिए? ये रशीद साहब हैं, हमारे अकाउंट्स में है और आसिम साहब के बड़े करीब थे ये। आए मैडम, बैठिए। वासिक मियां कुछ और लोग भी हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, तो आप मिल लीजिए प्लीज। राशिद साहब, हमारे अब्बा की एक बड़ी बुरी आदत थी। क्या? वो हर नौयत का इंसान, हर तरह का इंसान अपने सर पर चढ़ा लेते थे। क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, आई एम नॉट आसिम, आई एम वासिक। ये सब कुछ आप ही संभाल लीजिएगा जी। अच्छा ये बताएं कि वो HAT में है ना? नहीं 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 वासिक मियां, H11 वाले कब्रिस्तान में। बस ये संभाल लें, मुझे कॉल कर दीजिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, जनाजा 4 बजे है जी। जी जी H11 वाले कब्रिस्तान में है जी। जी 4:30 बजे हम पहुंच जाएंगे वहाँ जी, आप तशरीफ ले आइए जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। ला हौल विला कुव्वत। आसिक भाई लोग आए, जनाजा आसिक के पास रखा है, आपको ले जाने वामे का है। आसिम वापस नहीं गए, हमें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। जो भी लेने आया है उसे क्या, तो हमें उनकी जरूरत नहीं। जहां से आए हैं वहां वापस चले जाए। को भी Have you gone mad?
आई एम नॉट मैड, ये एसी पागल है। क्या हो गया? इतनी गर्मी में यहाँ मुझे लाकर बिठा दिया तुमने, तो पता मुझे यहाँ कुछ पसंद नहीं है। एक तो यहाँ विजिट करना भी जान अजाब में पड़ जाती है, इसे ठीक करो जल्दी करो वासे, गर्मी इतने है। इतने साल तुम्हारे लिए मैं बाहर रहा हूँ, थोड़ा सा तुम मेरे लिए इस वक्त कर दो। Let me just check this. क्या यार 1900 का एसी? मैं अब्बा की तदफीन पे भी नहीं आता तो फिर कब आता? कैसे करूं मैनेज, मुझे बताओ मैं कैसे करूं मैनेज? एसी चल नहीं रहा, इट्स सो क्राउडेड हियर, सो सफोकेटिंग। कुछ ही देर की बात है, तदफीन हो जाएगी, एवरीथिंग विल गेट नॉर्मलाइज्ड। मुझे एसी ठीक चाहिए। यार छोटे तू कहाँ रह गए? अम्मा को लेके आना था। यार वो नहीं मानती ना, वो कह रही है अब्बा का जनाजा यहीं से उठेगा। ये क्या बकवास है, क्यों नहीं आ रही? उनको लेकर कौन गया? पता नहीं मैडम, क्या करें, वो नहीं आ रही तो करना क्या है, बात करनी पड़ेगी अम्मा से। पर वो नहीं मान रही ना भाई। यार छोटे, यार तू भी मान से, आता हूँ करता हूँ कुछ, यार सब्र कर तू। सही है भाई, अल्लाह हाफिज़। अरे अरे कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? नहीं उधर अम्मा ने रोला डाला हुआ, आता हूँ। अरे सुनो मेरा एसी, आता हूँ। एसी तो ऑन करके जाओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अम्मा अब्बा चले गए, अम्मा देर हो रही, चले। अम्मा अम्मा हम अब्बा को यहां नहीं ला सकते, प्लीज चले। अम्मा His body has been in the morgue for 2 days. समझा यार वामिक, सरखाने में इतनी देर नहीं रख सकते, तदफीन करनी होगी अम्मा। फातिमा, जनाजा इस घर से उठेगा, इंतजाम आपकी जिम्मेदारी है। जी Thank you.
यार वामिक, आई एम काइंड कंफ्यूज्ड, आई डोंट अंडरस्टैंड, ये अम्मा अब्बा वहां गए क्यों? बड़े भाई मुझे तो सही गड़बड़ लग रही है। हाँ यार तू सही कह रहा है, वो जो मैनेजर है ना राशिद, वो भी बड़ा खचरा है, वो कुछ सही से नहीं बता रहा। जब मैंने पूछा तो कह रहा था कि कुछ महीनों से वहाँ पर शिफ्ट हुए हुए हैं। आपने उस रोहिल से क्यों नहीं पूछा? Ever since we've been here, it's been absolute chaos. हाँ लेकिन you're right, पूछना चाहिए यार, ask him. लेकिन भाई मुझे एक बात समझ नहीं आई। What's that? फातिमा अम्मा अब्बा के साथ क्या करी थी? और भाई पप्पो का इंतकाल हो गया है। हैं? पप्पो का इंतकाल हो गया है? आपको किसने कहा है? उसी मैनेजर ने। पप्पो का हो गया इंतकाल और उसके बाद फातिमा की होगी तलाक, वो आ गई इधर मामू के घर रहने के लिए। और दैट्स द बैकग्राउंड, बट तुझे तो याद होना चाहिए पप्पो ने तुझ पे हाथ रखा था ना। लेकिन भाई आप मुझे जानते हैं, प्रो चैंपियन तो फिर मैं ही हूं ना। अच्छा चल चल, देख बात सुन, You need to give me credit for that. क्यों? मैं ना होता तो तू तो बंद गया था उस फातिमा के साथ। True, absolutely true. क्यों ऑफ है मेरी कुमरू भांटी का? बात मत करो मुझसे। एसी ठीक हो गया? हाँ हो गया। मैं असल में जिस चीज को हाथ लगाऊ ना वो ठीक हो जाए। बस करो वासिक, हमी बातें ना बनाया करो। एक तो मुझे यहाँ लाकर पटक दिया, दूसरा इतनी गर्मी में कोई पूछने वाला ही, किसी को मेरा कोई एहसास नहीं है। मैं कसम खा के गई थी इस घर में मैं कभी कदम नहीं रखूंगी वासिक। आज मैं तुम्हें नहीं बोलने दूंगी, आज तुम मेरी सुनोगे सिर्फ। लेकिन वासिक तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे ना थूका चाटना पड़ रहा है। समझा करो निम्मी, अब्बा की मौत ना हुई होती तो हम कभी भी यहाँ नहीं आते, हम ज्यादा देर यहाँ पर नहीं रुकेंगे। अच्छा इतना ही प्यार था तो साथ अमरीका ही ले चलते। जिससे प्यार था उसे लेकर गया ना। मेरी बात सुन लो, मैंने यहाँ नहीं रुकना, ठीक है ना? अपने ड्रामे बंद करो, मुझे बस वापस जाना है अभी। अभी कैसे जा सकते हैं निम्मी, समझा करो, अभी तो हम आए हैं। क्यों नहीं जा सकते? पर वैसे भी कौन से हमारे यहाँ मरब्बे पड़े हैं जो हम नहीं जा सकते? निम्मी ये घर है, अब्बा का कारोबार है, अब अब्बा नहीं रहे तो कोई तो हो जो इस सब की देखभाल करे। हाँ? कौन सी देखभाल? और मेरी बात सुनो, अब्बा ने पहले कौन सी देखभाल की है जो अब हम इस घर की देखभाल करें? लिसन, अभी सयान की समर वेकेशंस हैं, जब तक वो खत्म होंगी तब तक इधर के तमाम मामला हम निपटा चुके होंगे, एंड देन वी कैन गो बैक। मैं समझी नहीं क्या खत्म हो जाएगा। एक बात मेरी कान खोलकर तुम सुन लो वासिक, अगर तो तुमने यहाँ सेटल होना है ना तो मैं यहाँ नहीं रुकने वाली, मैं जयान को लेके यहाँ से चली जाऊंगी। सुना तुमने? नहीं रुकना यार, समझा करो, अभी ये घर बिकना है, अब्बा के कारोबार के मामलात हैं, ये सारे मामलात निपटा के अपना अपना हिस्सा लेंगे, अपनी गली से निकल लेंगे। अच्छा तो ये बात है? That's right. You are very smart. हल्का लेती हैं आप। नहीं नहीं मैंने कब लिया आपको हल्का। अस्सलाम वालेकुम सर। राशिद अंकल आइए ना, आइए प्लीज़ हैव अ सीट। जी बहुत शुक्रिया।
क्या लेकर आए? ये जी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटस की फाइल। अच्छा, आई सी, लेट्स टेक अ लुक। ये राशिद अंकल, राइट ऑफ द बैट ये मुझे बताइएगा, ये इतना बड़ा लोन? ये दरअसल आसिम साहब ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, तो उसी सिलसिले में बैंक को उन्होंने पार्टनर बनाया था। अंकल, ये प्रोजेक्ट हेड कौन कर रहा था? रोयल भी है, संभालते सब कुछ। ओके। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस को देखते हुए तो ये लग रहा है कि हालात कुछ इतने ठीक नहीं है। बस जो भी है आपके सामने। अंकल एक बात बताइएगा, मेरे वालिद साहब फ्लैट में मूव हो गए, उन्होंने बड़े भाई को भी नहीं बताया, मुझे भी नहीं बताया। आप तो उनके काफी क्लोज थे ना, तो उन्होंने कोई आपके साथ डिस्कशन की इस हवाले से कि वो क्यों मूव हो रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ। लड़बी जी, ये बताइएगा कि ये कंपनी के मामलात में रोहेल का कितना अमल दखल रहा है? आसिम साहब की गैर मौजूदगी में रोहेल भी है, ये संभालते हैं सारा काम और वही देखते हैं सब कुछ। देखते थे वो भी जब तक अब्बा जिंदा थे। अब से ये तमाम मामला मैं देखूंगा। अंडरस्टूड? थैंक यू वेरी मच, यू कैन लीव। बहुत शुक्रिया। फैमिली भाई, अब्बा ने तो सब कुछ ही उसके हवाले कर दिया यार। रोहिल तो बड़ी तेज चीज निकला है यार। चाचू, आपसे एक बात पूछूं? अब बुरा तो नहीं मानेंगे ना? दादू कहाँ है? मुझे उनके पास ले जाना। आपके चाचू से नाराज होके चली गई है। तो आप मुझे वहां लेकर चले, मैं उनसे बात करूंगा, आप उनको सॉरी तो बोले, वो आपको माफ कर देंगी। वो अब नहीं मानेंगी, वो चली गई है। आई प्रॉमिस, मैं उनसे बात करूंगा। ओके। वो ज़यान ज़िद कर रहा था कि दादू से मिलना। अंदर तो आओ। दादू कहाँ? ऊपर है, आओ लेके चलती हूँ। तुम बैठो, मैं इसको मिला के लाती हूँ। दादू, सयान,
मेरा बच्चा, बच्चा। दादू की जान, कब आया, कब आया मेरे बेटे? कौन लाया? बाबा लाए? नहीं, रोहिल चाचू लाए मुझे। लाऊं उसे? बैठो ना। कितनी सारी बातें मैंने सोची थी, वो कुछ ध्यान में नहीं आ रहा। तुम अभी तक खड़े हो, बैठ तो जाते। ठीक हूँ मैं। रोहिल, उन्हें उन्हें और वक्त की जरूरत है। वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहती और कभी मिलेंगी नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ जख्म भरने में वक्त लगता है। और ये कैसा जख्म है जो कभी भर ही नहीं सकता? मैं मामू की मौत की बात कर रही थी, वो भी तो एक जख्म है ना। और वो भी मैंने ही दिया था। अच्छा बैठो तो सही। ठीक हूँ मैं। पानी लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। जी अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल ठीक ठाक राशिद साहब, आप सुनाइए। जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कहिए कैसे याद किया? आसिम साहब की वसीयत के बारे में बात करनी थी। जी मैं ये चाह रहा था कि उनके अहलो अयाल को आप जमा कर लीजिए ताकि उनकी वसीयत पढ़ के सुना दी जाए। जी ठीक है, मैं उनके बेटों को इन्फॉर्म कर देता हूँ। बिल्कुल जी, उनको इन्फॉर्म करके फिर मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं हाजिरी देता हूँ। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। वासिक साहब, बेगम साहिबा नहीं मौजूद? हाँ आप प्लीज प्रोसीड, हम हैं। यू प्लीज प्रोसीड। चले मैं उनकी गैर मौजूदगी में आपको वसीयत पढ़ के सुना देता हूँ, फिर आप उनको इन्फॉर्म कर दें। बेहतर, बहुत बेहतर। प्लीज, आसिम हुसैन वल्द सगीर हुसैन की जायदाद के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में 8 कनाल का मस्कूरा घर, शहर से बाहर 20 कनाल की ज़मीन का टुकड़ा और बाकी मानदा छोटी बड़ी जायदाद शामिल है, जिसकी कुल मालियत सिक्का राजुल वक्त तकरीबन 80 करोड़ रुपए है। वो तमाम जायदाद जुबैदा बेगम जोजा आसिम हुसैन के नाम ता वक्त हयात कर दी गई है। इस जायदाद पर जुबैदा बेगम के अलावा किसी का कोई हक नहीं है और ना ही वो हक उनकी औलाद की जानिब से कानूनी तौर पर मांगा जा सकता है, क्योंकि इनके बेटों को इस जायदाद से आग किया जा चुका है। वसीयत के दूसरे हिस्से के मुताबिक आसिम एंड कंपनी के तमाम मामलात बशमूल एसेट्स को रोहेल हुसैन, वल्द आसिम हुसैन और फातिमा बिनते हसन असीज के सपोर्ट किया जाता है। दोनों अफराद को ताकीद की जाती है कि बिज़नेस के तमाम मामलात को बखूबी चलाएं और इसे अपनी ज़िंदगी में आगे लेकर जाएं। वकील साहब एक सेकेंड, देयर मस्ट बी अ मिस्टेक। इसको दोबारा पढ़ें। मैंने वसीयत बिल्कुल ठीक पढ़ के सुनाई गई है आपको। यार कैसी वसीयत, कैसे की बात कर रहे हैं आप? What are you talking about? This is not possible. ये कानूनन मुमकिन नहीं है। वकील साहब कैसी बात कर रहे हैं आप यार?
कानून के मुताबिक वो अपनी हयात में ही ये उनके नाम करके जा चुके हैं। This is preposterous rubbish! भाई अब्बा मासद क्या जुल्म कर गए हैं यार? जीती रहिए। राशि साहब अगर ऑफिस का कोई काम था तो मुझे बुला लेते, मैं आ जाती। ऑफिस का काम होता तो मैं जरूर बुला लेता, अभी तो एक जिम्मेदारी थी जो पूरी करनी थी। ये खत बेगम साहबा को देना था, आप दे दीजिए। जी। अब मुझे इजाजत। अरे नहीं नहीं, मैंने चाय रखी हुई है, प्लीज चाय पी के जाइए। चाय फिर कभी से। असल में ऑफिस का बहुत सा काम अभी बाकी है, वो मुझे जाके निपटाना है, तो फिर देख लेंगे कभी। ठीक है। अच्छा राज साहब, मामी की तबीयत कुछ खराब है, तो मैं बस थोड़े दिन दे दें, फिर मैं ऑफिस आ जाऊंगी इंशाल्लाह। अरे कोई बात नहीं, जब चाहें आ जाए, आप तो सब कुछ आपका अपना ही है, आप जब चाहें आ सकती हैं। तो अब मुझे इजाजत। जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता था, मुझे पहले से पता था तुम्हारा वो बाप एक फूटी कोड़ी नहीं हमें देकर जाएगा। अब देख लिया तुमने, सुन लिया अपने कानों से, चलो यहां से, नहीं रुकना हमें यहां पर। मैं कहती हूं जो जिसका है वो लेता रहेगा पीछे से। हाँ मेरी दिमाग खराब किया मैंने। ओ मेरी कुंगरू पॉन्टी, मेरी लाडो। वासिक, मैं मजाक के मूड में। ओ मेरी जान, मेरी बात सुनो। इधर 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 मेरी जान, इधर इधर। क्या है? जा रहा हूं ना, तुम बैठो प्लीज। लेट मी जस्ट, बैठो बैठो प्लीज। कम ऑन, आई एम पफिंग दिस अप फॉर यू, प्लीज प्लीज हैव। तो मैं बैठ के यहां क्या करूंगी? बैठो तो सही ना, समझो। ये सब कुछ, ऑल ऑफ दिस इज माइन, ये सिर्फ मेरा है, और इसको लिए बगैर मैं चैन नहीं लूंगा। अच्छा, तुमने सुना नहीं कि उस वकील ने क्या कहा था? तुम्हारे अब्बा ऐसी चोट देकर गए कि हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, और अब भी तुम कह रहे हो ये सब मेरा है, इस पे मेरा हक है। अब भी तुम ये कह रहे हो, और तुम यहां से जाओगे भी नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? कैसे तुम छीनोगे उससे? भाई है तुम्हारा। He's not my brother. छोड़ गया था कोई दरवाजे पर, मुसल्लत हो गया हमारी जिंदगियों पर। अब्बा ने जीते जी मुझे कुछ नहीं दिया है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, कब्र के उस पार से मेरे ऊपर कुछ नहीं चलेगी, एक नहीं चलेगी। All of this is mine, और मेरा ही होके रहेगा। तो मुझे आंखें क्यों दिखा रहे हो? मुझसे आराम से बात करो। I know. John, I'm sorry. I'm sorry. I know. I was out of line. Charles, please. Next time ध्यान रखना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, calm down. यार पता है सारे लड़के एक जैसे होते हैं, बता रही हूँ मैं तुम्हें। यार तुम उसके चक्कर में सबको तमाचा रखो, मैंने मना भी किया था उससे शादी मत करो तुम। तो और किससे शादी करती? मुझसे करती शादी, मुझ में क्या कमी थी? मैंने ऐसा क्या कह दिया जो हंस रही हो मुझ पे? आपने अपनी शक्ल देखी? यार अच्छा रुको 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 रुको, इधर आओ। देखो बंदा जो ना शक्ल पे गुजारा कर ही लेता है, ठीक है? तुम्हारी जेब में क्या है दिखाओ जरा। वो अच्छा जी, 50 50, ये 500। बेटे फिर कहते हो रिजेक्ट क्यों किया? कम है तो क्या हुआ, हक लाल के तो हैं। कम वाले के ख्वाब देखो ना, मेरे गुण क्यों गाते हो? कौन देखता तुम्हारे ख्वाब, बद अकल हो तुम। अच्छा हुआ जो मुझे रिजेक्ट कर दिया, बाल बाल बच गया मैं तो।
मैं भी देखता हूँ कैसे आता है अमीरजादा तुम्हें लेने। चल बेटे निकल, धक्के मार के निकाल दिया उसने। बढ़िया यसीन पड़ी, निकल यहाँ से, निकल, शक्ल दिखा रहा तुम्हारी अपनी। आया बड़ा बात करता है। मुझसे शादी कर ले। आए। प्यारी जूबी, हमने वादा किया था कि हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर आप ये खत पढ़ रही हैं तो इसका ये मतलब है कि हम अपना वादा नहीं निभा पाए। हमें कुछ दिन से लग रहा है कि जैसे हम अंदर ही अंदर गल रहे हों। कब ये जिस्म साथ छोड़ जाए कुछ पता नहीं। यकीन रखिएगा कि हम अपनी पूरी ताकत से लड़े। अपनी वसीयत में कंपनी के मामलात रोहेल और फातिमा के सपोर्ट कर रहे हैं। हम जानते हैं कि रोहेल ने हमें बहुत तकलीफ दी है, मगर उस बच्चे ने सारी उम्र हमारी खिदमत भी की है। उससे बस एक गलती हो गई जिसकी उनको खुद बहुत तकलीफ है। हम उस घर में वापस नहीं जा सकते। हमें वहां के दर दीवार अब अजनबी महसूस होते हैं। वो हमें खुद पर हंसते हुए मालूम होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बाद आप वहां जरूर जाइएगा। वो घर हमने सिर्फ आपके लिए बनाया था जूबी, उस पर बस सिर्फ आपका हक है। आप नहीं जाएंगी तो आपके बगैर वो भी हमारी तरह अधूरा रह जाएगा। फकत आपका आसिम। ने अच्छा नहीं किया यार, हमारे लिए हिस्से में कुछ छोड़ के नहीं गए। अब ऐसी भी क्या दुश्मनी यार। अब्बा ने जो किया किया, अब हमारी बारी है। आपके जहन में क्या चल रहा है? इट्स वेरी सिंपल, मैं बिजनेस में अपना हिस्सा लिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। भाई दिल तो मेरा भी यही है, अपना हिस्सा लिए बगैर नहीं जाऊंगा। अब क्या किया जा सकता है यार, फातिमा और रोहिल को अब्बा सब कुछ देकर चले गए। मेरे पास है एक हल। वो क्या? यही कि अम्मा से रिक्वेस्ट की जाए और अपना हिस्सा लिया जाए और बाहर जाया जाए। अम्मा इस घर वापस आने के लिए तैयार नहीं है, वो तुम्हें हिस्सा देने लगी। क्यों नहीं बनता भाई, हम उनके बच्चे हैं, विरासत में हमारा हिस्सा बनता है। विरासत बाप से होती है, माँ से नहीं होती। और माँ सिर्फ अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी से इनाम कर सकती है, अम्मा तुम्हारे नाम तो करने से रही। कैसे नहीं मानेंगी यार, मैं अम्मा से बात करूंगा, उनसे कहूंगा अम्मा आप इस घर में तो रहना नहीं चाहती, तो ये घर हमारे नाम कर दें और हम घर बेच देंगे। कैसा? तो कैसी बातें कर, वो मान जाएंगी। भाई मैं बता रहा हूँ, और बाकी बिजनेस में ऑफ कोर्स आप ही ने सब संभालना है, मेरा हिस्सा नहीं भूलना। पहले कभी भूलने दिया है तूने? नहीं। रुको, कौन हो तुम और यहां ऐसे क्यों घुसी चली आ रही हो? क्या मतलब ऐसे क्या घुसी चली आ रही हो? आप कौन है? तुम कौन हो? एक तो चोरों की तरह यहां घुसी चली आ रही हो, मतलब मुझसे पूछ रही हो,
रुको, अभी पुलिस को बुलाती हूँ मैं। शीना बाजी आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। अरे वाह, तुम्हारे रिश्तेदारों का भी यहाँ आना जाना है सलमा? नहीं नहीं निमी बाजी, ऐसी बात नहीं है। बाजी रिश्तेदार तो कोई और लग रहा है यहाँ पे। क्या मतलब है, तुम कहना क्या चाहती हो? मेरा जो दिल करता है ना मैं बस कह जाती हूँ। कौन है ये, कौन है ये बदतमीज सलमा? जी ये रोहेल साहब की बीवी है, शीना बीबी। ओह अच्छा, रोहेल साहब की बीवी, तभी कहूं इतनी बदतमीज जो है। अब ये भी बता दो कि ये कौन है? ये निमी बाजी है, रोहेल साहब के बड़े भाई वासिक साहब की बीवी। जी रोहेल के भाई? जी माशाल्लाह। भाई मैं कहूं आप यहाँ की मखलूक तो नहीं लग रही। शादी पे कहाँ थे आप, नजर ही नहीं आए? बुलाया होता तो हम आते ना। तो अब यहाँ क्या कर रहे हैं? ससुर के इंतकाल को एक हफ्ता हो गया है और पूछा हमसे जा रहा है? वाह भाई वाह। जुमा है कर